हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एप्पल का जो मैंने छोटा सा बगीचा लगाया है, एक छोटा भी नहीं है, काफ़ी मेरे एप्पल के पेड़ मेरे पास तकरीबन 83 है। तो मैं सोचा कि चलो आज इसके हम तौलिए बना रहे थे तो हमने इसकी गुड़ाई की है, और मैं चलो दिखाता हूँ आपको कि मैंने जो छोटा सा बगीचा बनाया है वो दिखाता हूँ। और एक इसमें आज आपको खास चीज़ बताऊंगा, जिसे हम दुगनी इनकम बढ़ा सकते हैं अपनी। अब इसकी मैंने कटिंग करनी है, अभी की नहीं है। तो ये मेरे छोटे छोटे एप्पल के पौधे हैं, मैं चलो दिखाता हूँ आपको। ये है, अच्छे पौधे हो गए। इसमें खास बात पता क्या है कि आपने क्या करना है कि जैसे हम ये देखो लगाए हुए, ये जो हमारा तौली है ना, इसका एप्पल का, इस बार तो बीम भी ने आना शुरू हो गया है। ये पहला साल है इसमें बीम आ रहा है, ठीक है। तो हाँ, अभी आपको यहाँ पूरी मेन बात बताता हूँ मैं। ये इसकी मैंने कटिंग कर रखी है, अगर कोई थोड़ी गलत होगी तो मुझे आप बताना भाई, इसमें ये चीज़ रह गई है। मैं भी नया नया काम कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे से गलती हुई हो, तो आप बता दें मुझे इसमें ये गलती हुई है, तो मैं अगली बार इसका ध्यान रखूँगा, ठीक है। ये सेब लगाया हुआ मैंने, चलो आओ दिखाता हूँ आपको मैं। ये आपको ना छोटे छोटे ऐसे होल जैसे दिख रहे होंगे, ये देखो ये बनाए हैं, और साथ में ये भी ते दिख रहे हैं। ये चीज़ क्या है कि इसमें एक तो हम हमारी ज़मीन है, हमें एप्पल लगाया है, एक तो हमें एप्पल का बेनिफिट मिल जाएगी, सेब लगते हैं हम खाएंगे उनका बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा हमें क्या है कि इस तौलियों के बीच में हमने लहसुन लगाया है, लहसुन लगाया है। तो लहसुन क्या है कि दो फायदे हो गए उसके, क्या फायदे हैं, एक तो अभी हमने दिसंबर में गुड़ाई करनी, आज दिसंबर 11 है मेरे ख्याल में, हाँ 11 है, तो हमने इसकी गुड़ाई की तौलिया बना रहे हैं, बनाए हैं। तो एक तो हमें इसकी गुड़ाई होगी, दूसरा हमने इसमें लहसुन लगा दिया है, ठीक है, लहसुन लगा दिया है। लहसुन का फायदा ये है कि जब हम इसको आगे गर्मियों में जब हमने निकालना है ये लहसुन, तो हमें लहसुन भी मिल जाएगा और साथ में हमें दोबारा इसकी गुड़ाई हो जाएगी नेचुरली, दो बेनिफिट मिल गए। और तीसरी बात ये है कि इसमें कि हमें लहसुन जो है ये एक एंटीबायोटिक का काम करता है, मतलब पौधे को जो बीमारी लगती है वो नहीं लगती है, खास बात ये मैं आपको बताना चाहता था। तो मैंने ये लगाया है और तकरीबन सब जगह पे ऐसी चीज़ें हुआ है, तो मैंने इसमें भी लगाया है। ये अभी मेरा छोटा बगीचा है, तो आज इस साल से ये, पिछले साल भी कुछ फल मिल गया था मुझे, इस साल से मुझे फल मिलना, देखो मैंने काफ़ी बीमा आया हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ कि मैं इस बार थोड़ा कुछ ना कुछ इनकम मुझे शुरू हो जाएगी। तो बाकी मैं कीवी का भी ऑर्चर लगा रहा हूँ, तो कीवी का भी ऑर्चर लगा रहा हूँ, वो भी है चल रहा है, उसका प्रोसीजर वो मैंने वीडियो डाली हुई है। बाकी मैंने अखरोट भी लगाया है, जिसको हम बालनट कहते हैं, अखरोट की वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। ये देखो ये बालनट का पौधा था, तो इसमें भी हमने लहसुन लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये एक हमें एक्स्ट्रा इनकम सोर्स मिल जाती है। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे जितने भी लोग हैं जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है ना, वो इसको वो लगाएं और उसका फ़ायदा लें। लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं नहीं जी घास ख़राब हो गया, वो हो गया, जगह खाली, जगह हमारी ऐसे ख़राब होगी। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ कि एक तो हमारे और लगाने कहीं जगह ज़रूरत नहीं है लहसुन लगाने की, तो अपने इसमें लगा सकते हैं हम बगीचे में ही। तो
इसका काफ़ी बेनिफिट है। इसकी वजह से लहसुन निकालोगे, उसके बाद सठू राजमा लगा दो आप, या कोई और चीज़ लगा दो, ये तो वो भी हमें बड़ा बेनिफिट्स देती हैं। तो ऐसे ऐसे आपको टिप्स देता रहूँगा, बाकी कमेंट करके बताना कि भाई अगर कोई पौधों में कोई कमी है किसी और कुछ है तो मुझे बताना भाई, कि मैं भी नया नया लगा रहा हूँ, हो सकता है मेरे से आप कोई और अच्छे ऐसे व्यूज़ हों जो आप बता सकें, तो मैं भी उस पर खड़ा उतर सकूं। तो चलो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।